नाम बदलो सरकार का एक और फरमान आ गया है। मोदी सरकार की सनक देश पर भारी पड़ रही है। हर योजना में नाम बदलने की जो नीति चल रही थी वो अब देश का नाम बदलने तक आ पहुंची है। मोदी सरकार ने इंडिया नाम बदलकर भारत कर दिया। पहले सिर्फ उनके सांसद ही बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब ये सरकार दो कदम आगे निकल गई है। सरकार ने NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को एक फरमान जारी कर किताबों में इंडिया नाम को रिप्लेस करने के लिए कहा है। अब इस नाम बदलने में ही कागजी कार्रवाई पर करोड़ों खर्च किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी की सनक को तुरंत फॉलो करते हुए NCERT ने भी कहा, जी हुजूर अभी करते हैं। मोदी सरकार पहले तो किताबों से संघ की गद्दारी को मिटाने में लगी थी, माफी नामों को मिटाने में लगी थी। अब NCERT के जरिए किताबों में से इंडिया को मिटाने का तानाशाही फरमान जारी कर दिया गया है। जिस भाजपा संघ का इतिहास गद्दारी का रहा है, अब वही भाजपा संघ ऐसे हथकंडों से खुद को देशभक्त साबित करने की विफल कोशिश में लगे हैं। मगर देश भाजपा संघ के माफीनामों से परिचित है। भाजपा अगर राष्ट्रवादी है तो नाम बदलने की बजाय अपनी नीति और नियत बदले, देशवासियों को महंगाई से राहत दिलाए, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाए। भाजपा ऐसे ओछे हथकंडों के पीछे अपनी विफलता छिपाने का प्रयास ना करे। देश भाजपा ही विफलताओं को पहचानता है। इस बार देश माफ नहीं करेगा।